वीडियो में कोई भी प्रूफ दिखाने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप सीरियसली चीजों को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना और तो ही आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अगर आप सीरियसली चीजों को नहीं सीखना चाहते कि सिर्फ ये है कि देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, है ना, कि बस टाइम पास करने आए, तो आप पहली फुर्सत में निकलो, राइट। डिसलाइक करना है डिसलाइक करो, लाइक करना है लाइक करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब बात करते हैं आगे सीरियस लोगों के लिए कि 36 में से 29 मेरे प्रॉफिट हिट हुए, यानी कि जो मेरा टारगेट था टीपी हिट हुआ है, और 7 मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो इतनी एक्यूरेसी यानी कि 90% 89% के आसपास एक्यूरेसी कैसे आई, मैंने आप लोगों को अगर पुरानी वीडियोस आपने देखी होगी उसमें बताया था कि किस तरीके से आप में से हर एक इंसान ट्रेंड की मदद से, कि पहले आपको ट्रेंड देखने है, ट्रेंड के बाद आपको देखना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, पैटर्न के बाद आपको स्विंग रिवर्सल देखनी है, यानी कि पैटर्न रिवर्सल क्या हो गया, आपके चार्ट पैटर्न्स हो गए, स्विंग रिवर्सल आपकी होगी कैंडल्स, ठीक है, ये चीजों का कॉम्बिनेशन बनाना है। उसके बाद में आपको इंडिकेटर को देख करके ये देखना है कि इंडिकेटर आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं। आफ्टर दैट आपको एक डिसीजन बनाना है, ब्रेकआउट का वेट करना है, उसके बाद में आपको ट्रेड देनी है। और मैंने आप लोगों को दोनों तरीके की ट्रेड बताई थी, अगर आप लोगों को नहीं पता तो पुराने वीडियोस देख लेना। इंडिकेटर के एक अलग प्लेलिस्ट है, इसके अलावा एक्स्ट्रा के एक अलग प्लेलिस्ट है, जो मैं ट्रेड करता हूं उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है, हर तरीके की प्लेलिस्ट बनाकर के चैनल के ऊपर डाली हुई है, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि ब्रेकआउट का वेट करना है, दोनों तरीके की ट्रेड आप ले सकते हैं, एक दिन में आप 5 से 10 ट्रेड भी ले सकते हैं, क्योंकि जो मैं अभी आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं मैं वो प्रूफ दिखाऊंगा आपको कि एक दिन में आप 5 से 10 ट्रेड लेकर के उसमें से अगर 10 ट्रेड ले रहे हैं तो 1 या 2 आपकी लॉस में जाएगी, बाकी ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाएगी। मैं 1 या 2 लॉस में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 100% एक्यूरेसी ट्रेडिंग के अंदर आ ही नहीं सकती। जितने लोग ये बोलते हैं ना कि मैं 100% एक्यूरेट हो सकता हूं, मैं 100% एक्यूरेट हो जाऊंगा, भैया एंड ऑफ द मंथ उनका निकाल करके देख लेना, एक दिन प्रॉफिट में जाएंगे, 2 दिन प्रॉफिट में जाएंगे, 100% की वालों की बात बता रहा हूं। उसके बाद एंड ऑफ द मंथ जब वो होते हैं ना, जब उनकी कैलकुलेशन होती है, तो कहीं ना कहीं लॉस में होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रूफ देख लेते हैं कि चीजें होती कैसे हैं। तो मैंने पिछले 3 दिन के अंदर, आप मेरे साइड में स्क्रीन देख रहे होंगे, स्क्रीन पे मैंने आपको सारी ट्रेड वो दिखा रखी है जो मेरी प्रॉफिट में है, लॉस में मैंने पूरा का पूरा आपको दिखा रखा है, जो ट्रेड मेरी कट चुकी है, खत्म हो चुकी है, बाकी ट्रेड मेरी चल रही है। और मैं बहुत बड़े अमाउंट पे ट्रेड नहीं करता, मैं छोटे छोटे अमाउंट पे ट्रेड करता हूं। मेरी कुछ ट्रेड्स हैं जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये सारी की सारी मेरी ट्रेड्स हैं, ये मेरी टोटल जो ट्रेड है वो 36 ट्रेड्स हैं जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। इनकी सबके अपडेट भी देख सकते हैं, ये सबसे ऊपर वाली ट्रेड जो मेरी जस्ट अभी कटी थी, स्टॉप लॉस हिट हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस भी कितने का हिट हुआ है वो भी आप देख लीजिए, कभी आपको ऐसा लगे कितने का हिट हुआ है, $5 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है, $5 मेरा लॉस में गया है ना, यहाँ पे $0.50 लॉस में गया है, लेकिन यहाँ पे $1 यहाँ पे आपका प्रॉफिट गया, $1 यहाँ पे प्रॉफिट गया, यहाँ पे आधा, यहाँ पे $5 यहाँ पे प्रॉफिट गया, ठीक है। और इसके अलावा बाकी ट्रेड्स को अगर आप देखेंगे, बाकी ट्रेड भी मेरी ये देखिए सारी की सारी प्रॉफिट में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, छोटी छोटी ट्रेड्स लगा रहा हूँ। ये कौन सी ट्रेड है मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, ये मेरी स्काल्पिंग है, कौन सी ट्रेड है मेरी स्काल्पिंग, ठीक है, मैं स्काल्पिंग करता हूँ, छोटी छोटी ट्रेड करता हूँ, 3 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड है ना, 50 सेकंड या फिर 2 मिनट तक की मेरी ट्रेड्स होती हैं, बस इतनी छोटी ट्रेड होती है, ज्यादा लंबी ट्रेड मैं नहीं करता। तो ये वो चीजें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ये मेरी सारी ट्रेड्स हैं। तो इसमें से टोटल 7 ट्रेड, तो 2 ट्रेड ऊपर आपने देखी, एक $5.50 टोटल गया है मेरा ऊपर लॉस में, और 2 ट्रेड ये है मेरी लॉस वाली, इसमें मेरा लगभग $0.25 लॉस में गए। इसके अंदर अगर आप देखेंगे इसमें भी $1.50 लॉस में गए, यानी कि टोटल आप देखिएगा, ठीक है, और इसके नीचे आप जाएगा यहाँ पे मेरे $2.50 यहाँ पे आपका माइनस में है, इसके अलावा यहाँ पे $2.25, मतलब और ओवरऑल आप देखेंगे जो टोटल मेरा लॉस हुआ है वो मेरा हुआ है $10 का। मैं फिर से रिपीट कर दूं, टोटल मेरा लॉस हुआ है $10 यानी ₹800 का, ठीक है, 37 ट्रेड में थे, और जो मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ वो मेरा हुआ $60 का, कितने का, $60। तो अगर मेरा $8 का लॉस होकर के $60 का प्रॉफिट हो रहा है, मैंने ट्रेड कितने से स्टार्ट करी थी, $15 से, $15 से स्टार्ट करके मेरा अकाउंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे टोटल मेरा यहाँ पे हो चुका है $54, जो मैंने अभी लास्ट में $5 का लॉस कर दिया था उससे ही $5 माइनस हो गया, अदरवाइज $60 का था। यहाँ पे आप टोटल देख सकते हैं $54 मेरे पास अभी अवेलेबल है, यानी कि मैंने ओवरऑल 15 अगर इसमें से माइनस कर दीजिए, 55 में से 15 अगर माइनस कर देंगे आप, तो $40 में अभी अल्टीमेटली प्रॉफिट में हूं, कितना, $40 प्रॉफिट में हूं, लॉस वाली ट्रेड को भी अगर हटा ले तो, राइट। तो ये होती है एक्चुअली में ट्रेडिंग, $40 को अगर आप इसमें देखेंगे 80 से आप कर दीजिए तो 8 चौक 3200 रुपए मेरे यहाँ पे टोटल बन चुके हैं,
राइट। तो इस तरीके से आप में से हर एक इंसान अपनी ट्रेडिंग कर सकता है। तो स्क्रीन पे आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं। और ये जो मेरी ट्रेडिंग थी 36 जो ट्रेड मैंने करी थी, ये टोटल मेरी 3 दिन की ट्रेड थी। अगर 3 दिन में यानी कि मेरा 3200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1000 रुपए पर डे का, कितने रुपए लगा करके मैंने मात्र $15 15 × 120 यानी कि 1200 रुपए लगा करके मैंने ट्रेड करी थी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 1200 रुपए लगा करके मैंने ट्रेड करी थी और 1200 से लेकर के 1000 रुपए, 1200 इन्वेस्ट किया, 1000 रुपए पर डे का मैं इसके अंदर प्रॉफिट बना रहा हूं। ये मेरी कैलकुलेशन, मेरी एक्यूरेसी, मेरी प्रेडिक्शन है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं कैसे कर सकता हूं, तो उसके लिए मैं बता दूं, मैं 4 चीजों को मेन फॉलो करता हूं। पहले मैं ट्रेंड देखता हूं, आप ट्रेंड के अंदर है तो आप ट्रेंड में कोशिश करो कि आपकी हर एक ट्रेड जो होनी चाहिए वो बाय ट्रेड होनी चाहिए। अगर डाउन ट्रेड है तो कोशिश करें कि हर एक ट्रेड आपकी शॉर्ट सेल होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा तो पहला फॉर्मूला होगा। दूसरा फॉर्मूला, कोशिश करें कि जब भी आप बाय या सेल करें तो एक रिवर्सल कैंडल को जरूर देख लीजिए। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, रिवर्सल कैंडल को जरूर देखिए। रिवर्सल कैंडल कितने मिनट की देखनी चाहिए आपको, कौन से टाइम फ्रेम पे देखिए, तो मैं कहूंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिवर्सल कैंडल देख लीजिए। रिवर्सल कैंडल के बाद जो ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट को हो जाने दीजिए, उसके बाद में ही आपको अपना ऑर्डर बुक करना है, राइट। ये आपका दूसरा फॉर्मूला होगा। तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला जब आपने ट्रेड लगा ली तो आप ये देखिए मैक्सिमम कहां तक जा सकता है और अपना एक टाइम सेट करिए। वहां पे स्विंग कितनी देर में पूरा कंप्लीट कर रही है वो तो आपने पहले कैलकुलेट कर लिया, फिर अपना एक टाइम सेट करिए कि मुझे 5 मिनट में काटनी ही काटनी है ट्रेड, राइट। ये चीजें कैसे पॉसिबल हो पाती, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। मैं अगेन एक चीज रिपीट कर दूं, जितने लोग ये कहते हैं ना कि मैं एक्सपर्ट हूं या मुझे तो एक्सपर्ट बनना है, तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस सीख लो और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेकर आया हूं। तो जितने लोग टेक्निकल एनालिसिस बेसिक से सीखना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल का, जिस चीज पे मैं प्रॉफिट करता हूं, जो चीज मैं इंप्लीमेंट करता हूं, अगर ये चीज सीखना चाहते हो आप, तो इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना। अभी हम लोगों ने एक ऑफर निकाल के रखा है 50% ऑफ, तो जो भी हमारी फीस है उस फीस के ऊपर 50% ऑफ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। नया बैच स्टार्ट हुआ है तो जितने लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं। शाम को 8 बजे हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती है, रिकॉर्डेड क्लास नहीं होती। हम रिकॉर्डेड क्लास में बिलीव नहीं करते, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में ना आप सिर्फ वीडियो देखते रह जाओगे, 4 वीडियो देखोगे, 5 वीडियो के बाद कोर्स कहां है आपका पता नहीं। लेकिन हमारी लाइव क्लासेस होती है, एग्जाम लेते हैं प्रॉपर, उसमें सारी चीजें रिटन टेस्ट करवाते हैं, हमें पता लगता है कि आपको कितना आया कितना नहीं। आपकी हर एक चीज को जानने के बाद सारे पैरामीटर्स में आप फिट बैठते हैं, उसके बाद ही आपकी पेपर ट्रेडिंग करवाते हैं, पेपर ट्रेडिंग के बाद आपकी रियल ट्रेडिंग कराते हैं। और इसमें हम गारंटी भी देते हैं। गारंटी क्या है मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपने जो फीस दिया उसका 5 गुना तक आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर लेते, मान लीजिए आपने 1000 रुपए दिया, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए आपने 1000 रुपए दिया, तो अगर आपका 5000 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ जब तक, तब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं माना जाएगा, फिर से आपको बेसिक से स्टार्ट करा जाएगा। तो ये हमारा रूल होता है, ये हमारी गारंटी होती है। जितने लोग आना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैंने आपको प्रूफ के साथ सब कुछ दिखा दिया। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। और बेसिक के बिना मार्केट में ना एडवांस कुछ भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना एल्गो ट्रेडिंग करो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो, है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग करो। बहुत सारे लोग इस तरीके से अलग अलग आपको अलग अलग मिथ के साथ बताते हैं कि इंडिकेटर्स बेस्ट है, है ना, बेसिक बेस्ट है। मैं कहूंगा बेसिक ही बेस्ट है, ठीक है। जो लोग ये कहते हैं ना बेसिक बेस्ट है वो सही है। जितने लोग बोलते हैं ना मार्केट में नई नई चीजें आ रही उनको सीखो और उनके ऊपर काम करो, वो सारी चीजें ना बस आपको गुमराह करने के लिए हो सकती है, क्योंकि बेसिक के बिना आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। बेसिक सबसे बेस्ट है, बेसिक को कभी मत छोड़िए। बेसिक पे छोटे छोटे प्रॉफिट करिए, जो बड़े लोग हैं वो कहीं और जाकर के सीख लीजिए। छोटे लोग हैं जो आराम से छोटा छोटा प्रॉफिट करना चाहते हैं, 1000 रुपए का प्रॉफिट, 2000 रुपए का प्रॉफिट, मेरी तरह जैसे मैंने अपना आपको दिखाया पोर्टफोलियो, जितने लोग इस तरीके का प्रॉफिट करना चाहते हैं वो मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।